अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक टूल दूंगा जो कि आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। हेल्प टच टूल है जो कि फ्री है, मतलब आप लाइफ टाइम इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई पासवर्ड, कोई वायरस या ऐसी कोई बात नहीं है इनमें, और आपकी बहुत सी मुश्किलात ये टूल आसान कर सकता है। तो चलें इसको सबसे पहले हम इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पीसी में तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये इंस्टॉल हो गया, फिनिश करते हैं। ये दोस्तों इस इन हेल्प वालों का लेटेस्ट टूल है जिससे आप लोग काफ़ी काम ले सकते हैं, और काफ़ी मॉडल्स में हैं इनमें सैमसंग के। और ये टूल हमारा ओपन हो चुका है, सैमसंग है। इससे हम ADB के ज़रिए, ये काफ़ी सारे फंक्शन हैं सामने आपको नज़र आ रहे हैं, इन्फो ले सकते हैं, एफर भी रीसेट कर सकते हैं, सैमसंग अकाउंट रिमूव कर सकते हैं ADB मोड पे। इसके अलावा हम डाउनलोड मोड से ये कुछ मॉडल हैं जिनके हम एफर भी रिमूव कर सकते हैं। और नीचे ये नॉर्मल मोड में हम फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, अगर जैसे पुराने मॉडल्स हैं S3, S4 और S5 जिनके एंड्रॉयड वर्जन मतलब किटकैट में हैं, उनको हम लॉक अगर लगा हुआ है, हमारे बटन काम नहीं कर रहे मोबाइल्स के, जस्ट आपने कनेक्ट करना है मोबाइल का, रीसेट पे क्लिक करना है, स्टार्ट दबा देना है, मोबाइल रीसेट हो जाएगा। इसके अलावा हम एक मोबाइल को मिसाल के तौर पे एफर भी लगी है और हम कॉल डायल में तौर से उसका एफर भी रीसेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कॉल डायल करके अपना एफर भी रीसेट कर सकते हैं। यहीं पर सैमसंग रिपेयर सेक्शन में हम मोबाइल को सीरियल नंबर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल का रूट होना ज़रूरी है। फैक्ट्री मोड ऑफ़ कर सकते हैं, IMEI हम रिपेयर कर सकते हैं। ये नीचे कुछ मॉडल हैं इनके, IMEI हम रिपेयर कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे मॉडल हैं। और अभी यहाँ से हम HTC सेक्शन में हम काफ़ी सारे ऑप्शन देखेंगे। तो दोस्तों, ये आप चेक करेंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको टूल पसंद आता है तो। अल्लाह हाफिज़।